दंगे के लिए सबको पता है गुजरात के अंदर बाहर से लोग आकर उन्होंने दंगा किया, एक बतेरी टीम बनाई जाती है, तलवारें उनको दी जाती हैं, असला दिया जाता है और कहीं जगह वीडियो में कहते सुना गया जब तक हमारे साथ पुलिस है हमें कोई घबराने की बात नहीं। हाँ। दंगे वाले कह रहे हैं हमारे साथ पुलिस है, पुलिस की मौजूदगी में दंगा होता है। पुल के अंदर गुरुद्वारे बने, मस्जिद बने, सब कुछ बने, लेकिन आप मीनारों पर चढ़ेंगे मस्जिद की, आप उनको डिफेम करेंगे जाकर, मुसलमानों को आप जलील करेंगे, तो ना तो संविधान इजाजत देता ना हम इजाजत देंगे। हमें रोकने का उसका पूरा हक है। हम अपने मस्जिदों के ऊपर आप आ रहे हैं, बाबरी मस्जिद के बाद पूरी दुनिया में क्या मैसेज गया था, उनके गुंबद को तोड़ा गया था, और आज मस्जिदों के, भाई मस्जिदों से क्या दुश्मनी है आपकी, इंसान से भी दुश्मनी है, मस्जिदों से, धर्म से दुश्मनी क्या है? कोई धर्म नहीं सिखाता आपस में लड़ना, लेकिन ये धर्म के नाम पर सियासत जो हो रही है ये पूरे मुल्क को बर्बाद करके रख देगी। मैं अतीब खान, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन, इंडियन यूनियन मुस्लिम का जो छात्र संगठन है मैं उसका नेशनल सेक्रेटरी हूँ। हम लोग आज के प्रदर्शन करने के लिए आए हैं क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर जो दरिंदगी हुई है, जो एक समुदाय के लोगों को, खासतौर से मुसलमानों को आइडेंटिफाई करके मारा गया है, और एक हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा था उसको बिगाड़ने की कोशिश की गई है। आज हमारा साफ साफ इस पोस्टर पर आप देख सकते हैं, हमारा कहना है ये जो जेनोसाइड की कोशिश थी, नस्ल खुशी करने की कोशिश थी, पूरी एक टारगेट करके एक समुदाय के, खास तौर से मुसलमानों को मारने की कोशिश थी, लेकिन हम जहाँ तक हमें लगता है उसके पीछे पूरा तरीके से स्टेट का हाथ है, क्योंकि भारत सरकार के अंदर दिल्ली पुलिस आती है, दिल्ली के कमिश्नर आते हैं। क्यों दिल्ली के कमिश्नर सो रहे थे जब दिल्ली में दंगाई उपरद मचा रहे थे, तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी, आर्मी क्यों नहीं बुलाई गई, किसके इशारे पर काम हो रहा था? नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह दिल्ली के अंदर रहते हैं और उस वक्त के अंदर दिल्ली के अंदर हिंसा हो रही थी, तो हमारा साफ साफ कहना है कि हिंसा के पीछे सरकार का हाथ है, सरकार रोक सकती थी लेकिन नहीं रोका गया, लोगों को मरने दिया गया। वजह क्या थी? क्या देखिए, वजह ये थी कि लोगों को जो आजकल मुद्दे हैं, भारत की जीडीपी गिर चुकी है और सब कुछ, हिंदुस्तान के अंदर रोजगार नहीं है, युवा बेरोजगार है, उसका ध्यान हटाकर सीए का कानून लाया गया, उसको सीए की लड़ाई को यह कहा गया कि जो लोग सीए के समर्थन में है वो हिंदू विरोधी है, जबकि ऐसा नहीं है। जो सीए का विरोध कर रहा है वो हिंदू का विरोध नहीं कर रहा, वो अपने हक की आवाज को उठा रहा है, लेकिन हिंदुओं को, जो भोले भाले हिंदू लोग हैं, और उन लोगों को भड़काया जा रहा है कि मुसलमान तुम्हें मारना चाहते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो दंगे वाले लोग होते हैं बाहर से आते हैं, प्री प्लान कराया जाता है, हमने वहां के लोगों से बात की जाकर, दंगा पीड़ितों से, उनका कहना है कि हम लोग आपस में रह रहे प्यार मोहब्बत से, लेकिन कुछ लोगों ने आकर यहां पर दंगा फसाद किया, कौन था उसके पीछे? सरकार क्यों सो रही है? आपको पता है बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? आपको और दूसरे मुल्कों के बारे में पता है? अपने दिल्ली के अंदर कहां है आईबी, कहां लोग हैं, क्यों नहीं काम कर रहे हैं आप लोग, क्यों उन लोगों का पता नहीं लग पा रहा है? दंगे में जो लोग हलाक हुए, मारे गए, और उन परिवारों ने जब आइडेंटिफाई किया तो कहीं आरएसएस के लोग ये, जब से सीए की लड़ाई चल रही है, चाहे जामिया हो, जेएनयू हो, वहां पर आरएसएस के एबीवीपी के लड़के आते हैं पुलिस के साथ, डंडे मारते हैं, और वो दंगों के अंदर भी वो लोग वर्दी पहन कर आ रहे हैं। जब दरगाह चलाई गई वहां पे लोग वर्दी पहनकर मौजूद थे, जब लोगों के घर पर अटैक हुआ लोग सोचते हैं कि वर्दी वाले पुलिस वाले हमारी हिफाजत करेंगे, लेकिन वर्दी के बेस में आरएसएस वाले होते हैं जो लोगों के घर जलाते हैं आकर। आपको ये यकीन नहीं होगा, लोगों ने बताया जब गाड़ियां चलाई गई, गाड़ियों के अंदर लोगों को जिंदा जलाया गया, जो लोग नहीं मरे उनके ऊपर दोबारा पेट्रोल डालकर उनको फिर मारा गया। ये इंसानियत है, पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान की तरफ देख रही है। जो मुल्क कभी आपसी भाईचारे की मिसाल था, आज वो दंगे की मिसाल बन चुका है। 70 दिन से ज्यादा प्रोटेस्ट करते हुए हो गए, जो लोग शाहीन बाग में बैठे हैं, दिल्ली के कहीं भी कोने में बैठे हैं, लेकिन उन्होंने कभी दंगे की बात नहीं करी, लेकिन कपिल मिश्रा के बयान देने के स्टेटमेंट के अंदर ही 70 घंटे में इतनी सारी घटनाएं हो जाती है कि सैकड़ों लोग मर जाते हैं। आज शर्जील इमाम को जिन्होंने पूरा सेडिशन लगा के उनको जेल में डाला हुआ है, उनके कहने से कोई दंगा नहीं हुआ, लेकिन कपिल मिश्रा जिसने पूरा दंगा करा दिया, जिसने पूरी दिल्ली को आग के अंदर लपेटवा दिया, आज भी वो बाहर बैठे हुए हैं। उसके बाद अरविंद केजरीवाल, मैं मुख्यमंत्री से भी सवाल कहना चाहता हूँ, आप कहते हैं मेरे हाथ में पुलिस नहीं है, आईबी आपके पास है, आईबी आपको रिपोर्ट करता है, आपके पास आपका चीफ सेक्रेटरी है, आप लोगों ने उनसे आपको सारी इंफॉर्मेशन दी,
आप वहां पर जाकर दुआ मांग रहे हैं गांधी जी के, दुआ मांगने का वक्त है। हमने आपको दुआ मांगने के लिए सीएम नहीं बनाया, हमने आपको सीएम बनाया तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी, आपको बैठ के कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना चाहिए था और लोग मेरे साथ चलो मैं दंगा रोकने जा रहा हूँ, लेकिन आप नहीं गए क्योंकि आप भी हिंदुत्व की राजनीति को बढ़ावा देते हैं। FIR जो किया गया कन्हैया कुमार पर, जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो सैंपलिंग किया उसके बारे में क्या कहा? देखिए कन्हैया कुमार के सबसे पहले सपोर्ट करने के लिए अरविंद केजरीवाल JNU गए थे, उसके बाद और आज कन्हैया कुमार, देखिए अरविंद केजरीवाल इलेक्शन जीत चुके हैं, हमें लगता था कि वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन आज वो खुल के सामने आ चुका है उनका हिंदुत्व, उनका हिंदुत्व सबके सामने आ चुका है। और ये हिंदुत्व जो है वो इलेक्शन जीतने के बाद आया है, लोगों का वोट लिया उन्होंने मुसलमानों से, ओखला जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है 1,70,000 वोट वहां से उनके कैंडिडेट को मिला, पूरी माइनॉरिटीज ने उनको वोट दिया, लेकिन उन्होंने धोखा किया। हमने उनको वोट दिया था आपसी भाईचारा बनाने के लिए, लेकिन केजरीवाल ने आपसी भाईचारे को छोड़कर वो हिंदुत्व की राजनीति को फॉलो किया जिसको बीजेपी करती आ रही है। अभी दंगे की अगर बात की जाए, 8 विधानसभा जो है जो बीजेपी के हाथ में, 6 विधानसभा में उन्हीं में दंगा हुआ, ऐसा क्यों? ये तो करवाया गया है। देखिए आम आदमी पार्टी के एक ताहिर हुसैन है, उनके ऊपर आम आदमी पार्टी ने कार्रवाई करी है, ठीक है, और एक ही आदमी के ऊपर कार्रवाई हुई है और आम आदमी पार्टी ने अभी तक खुल के स्टैंड नहीं लिया है किसी बीजेपी के सामने। तो मेरा ये कहना है, हम लोगों का कहना है, लोगों से हमने बात करके बताया, दंगे के अंदर आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों शामिल हैं। आम आदमी पार्टी के जो छोटे नेता थे, सभासद थे, उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेताओं को कॉल मिलाई, लेकिन ऊपर से कोई ऐसा जवाब नहीं आया जिससे दंगे रुक सके। तो इससे पता लगता है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक तरीके से उसी आइडियोलॉजी पे काम कर रही है जिस पर RSS काम करने के लिए बोलती है। आपका क्या मानना है इस दिल्ली के अंदर जो लोग हलाक हुए, मारे गए, उनके परिवारों को सांत्वना भी नहीं दी है सरकार ने अभी तक जो है? सरकार ने एक, देखिए किसी की भी जिंदगी को आप किसी भी पैसे से या किसी भी चीज से नहीं भर सकते। जो लोग चले गए थे उनके परिवार ही समझ सकता है कि उनकी कमी उनको कितनी महसूस होगी। अरविंद केजरीवाल को दंगा पीड़ित इलाकों में दौरा करना चाहिए, फौरन जाना चाहिए, वहां पर जाके लोगों से हमदर्दी पेश करनी चाहिए। लोगों को हमदर्दी चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, पैसा तो दोबारा भी आ जाएगा कि 10-10 लाख आप फेंक के वहां पे और आप अपना पल्ला झाड़ लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपने वोट लिया है, जवाब दीजिए। RSS वादी पर अरविंद केजरीवाल साथ चल रहे हैं क्या जी? RSS का वही एजेंडा वो फॉलो कर रहे हैं। बताइए दिल्ली के अंदर, भारत की राजधानी के अंदर ये सब कुछ हो रहा है जो केजरीवाल पूरे मुल्क के ऊपर बोला करते थे, आज वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, आज वो आंखें मूंद कर बैठे हैं, तो किस राजनीति पर वो काम कर रहे हैं? ये तो आपको जनता ने भरोसा किया आपके ऊपर, आपको हिंदुत्व को नकारते हुए आपको चुना है। आप अपना चेहरा बदल लेंगे? कल तक आप कन्हैया कुमार का सपोर्ट करते थे, आज आपने चार्जशीट के अंदर उनको इजाजत दे दी बनाने के लिए। ये क्या राजनीति है? ये राजनीति सिर्फ एक हिंदुत्व को खुश करने के लिए, लेकिन हम सब जानते हैं मुल्क हिंदुत्व से नहीं चलेगा। कितनी मस्जिदों पर जो है दंगाइयों ने हमला किया? देखिए कम से कम जो हमने वहां पर जांच पड़ताल की जाकर, कुछ मस्जिदों पर हमला हुआ और कुछ पर जाकर झंडे लगाए गए हिंदुत्व के झंडे। देखिए हम ये कहते हैं इस मुल्क के अंदर गुरुद्वारे बने, मस्जिद बने, सब कुछ बने, लेकिन आप मीनारों पर चढ़ेंगे मस्जिद की, आप उनको डिफेम करेंगे जाकर, मुसलमानों को आप जलील करेंगे, तो ये ना तो संविधान इजाजत देता ना हम इजाजत देंगे। हमें रोकने का उसका पूरा हक है। हम अपने मस्जिदों के ऊपर आप आ रहे हैं, बाबरी मस्जिद के बाद पूरी दुनिया में क्या मैसेज गया था, उनके गुंबद को तोड़ा गया था, और आज मस्जिदों के, भाई मस्जिदों से क्या दुश्मनी है आपकी? इंसान से भी दुश्मनी है, मस्जिदों से धर्म से दुश्मनी क्या है? कोई धर्म नहीं सिखाता आपस में लड़ना, लेकिन ये धर्म के नाम पर सियासत जो हो रही है ये पूरे मुल्क को बर्बाद करके रख देगी। क्या विकल्प क्या है हिंदुस्तान में, क्या विकल्प? देखिए विकल्प की तलाश होती है। एक कांग्रेस के टाइम पे भी दंगे हुए हैं, 84 के अंदर दिल्ली में देखा सिखों को मारा गया था, और आज जो है मुसलमानों को मारा जा रहा है। तो कल कांग्रेस थी, आज बीजेपी और आम आदमी पार्टी है। हमें मुल्क को, सरकारें बदलती रहेंगी, लेकिन हमें दिलों की और अपने दिमाग की मानसिकता को बदलना है। हिंदुस्तान से मुल्क नहीं चलने वाला, ये किसी भी शरिया से या किसी से मुल्क नहीं चलेगा। मुल्क चलेगा तो आपसी भाईचारे से बनेगा, जो हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उस पर आकर चलेगा। सबको आगे आना पड़ेगा, एक दूसरे के दिल बड़े करने पड़ेंगे, नहीं दिल गड़ा करेंगे तो जैसे दंगे हो रहे हैं पूरे मुल्क आग में चला जाएगा, और पूरी दुनिया के अंदर आज हिंदुस्तान की जो बेइज्जती हुई है। कपिल मिश्रा साहब जिस तरह, और रागिनी तिवारी जिस तरह से एक दंगा भड़काने के जहरीले भाषण के तौर तरीके से जाना जा रहा है, आप उसको किस तरह जरिए? देखिए मुझे तो अचंभा हो रहा है, हम लोग अगर कोई ये मीम या मुस्लिम इंसान कोई ऐसा बयान दे देता तो पूरा मीडिया सब लोग उसके, या कोई और धर्म का इंसान दे देता, या किसी और पार्टी का नेता, हिंदू नेता भी ऐसा बयान दे देता तो उसको जेल में डाल दिया जाता। लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं, शीर्षगढ़ नेता हैं, कपिल मिश्रा हैं, अनुराग ठाकुर हैं और प्रवेश वर्मा हैं, ये गोली मारने की बात करते हैं। रागिनी तिवारी भी है,
हाँ रागनी तिवारी है, ऐसे कई सारे नेता हैं, योगी आदित्यनाथ भी हैं जो बार बार ऐसे बयान देते हैं, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई करेगा कौन? वो खुद ही लोग बैठे हुए अपने लोगों के ऊपर, वो क्यों कार्रवाई करेंगे? और जब अदालतें कार्रवाई करने की सोचती हैं तो उन जजों का ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस मुल्क के अंदर आपसी भाईचारा बनाना है, सरकार कोई भी रहे आपसी भाईचारा होगा, जनता सरकार के इन फैसलों के खिलाफ उतरेगी। तो जो लोग दंगा यहाँ पर कर रहे थे, कुछ लोगों को पकड़ा गया, बाहर से लोग आए थे ऐसा मालूम पड़ रहा है। बिल्कुल आपसी लोकल के लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर जो लोग आए थे दंगा के लिए वो हमारे आसपास के लोग नहीं थे दंगे के लिए। सबको पता है गुजरात के अंदर बाहर से लोग आकर उन्होंने दंगा किया, एक बतेरी टीम बनाई जाती है, तलवारें उनको दी जाती हैं, असला दिया जाता है, और कहीं जगह वीडियो में ये कहते सुना गया जब तक हमारे साथ पुलिस है हमें कोई घबराने की बात नहीं। दंगे वाले कह रहे हैं हमारे साथ पुलिस है, पुलिस की मौजूदगी में दंगा होता है, वरना पब्लिक उनको नहीं आने देती। पुलिस सपोर्ट कर रही थी, पुलिस कर्फ्यू लगाकर दंगे वालों को कह रही थी आप आइए मैदान साफ है। मोदी साहब चुप क्यों हैं? देखिए मोदी साहब मन की बात कहते हैं, लेकिन जब दंगा होता है, लोग मरते हैं, मोब लिंचिंग होती है, भारत की अर्थव्यवस्था खराब होती है, जेएनयू में डंडे मारे जाते हैं, जामिया में डंडे मारे जाते हैं, तब मोदी सरकार खामोश रहती है, नरेंद्र मोदी खामोश रहते हैं। ये उनका हिपोक्रेसी है। मैं तो कहूँगा नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री सिर्फ हिंदुत्व के या किसी आरएसएस के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, आँखें खोलनी चाहिए। बंगाल में जाकर उल्टे सीधे नारे लगवाए जो यहाँ पर दिल्ली में अनुराग ठाकुर ने लगवाए थे। तो ये नफरत की राजनीति चुनाव पर चुनाव, और उससे पूरा हिंदुस्तान आज के टाइम पे उससे अफेक्टेड होता है क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। तो हमें ये सोचना चाहिए जनता से मुल्क चलता है, सरकारों से मुल्क नहीं चलता। जनता क्यों नहीं सामने आती? जनता इस चीज के लिए सामने आए, रोड पर उतरे कि अब हिंदू मुसलमान के ऊपर किसी को लड़ने नहीं देंगे, हिंदू मुसलमान के ऊपर हत्या नहीं होने देंगे। रात में अफवाह थी पूरे मुल्क दिल्ली में कि हर जगह दंगा चल रही है, इस विषय को कहां देखा? देखिए कल हम लोगों के पास भी फोन आए, उसके बाद हम लोगों ने पड़ताल करी। कुछ असामाजिक तत्व ऐसी बातों को फैलाते हैं जिससे उन्हें मौका मिले आपस में आपसी भाईचारों को खत्म करने का, लेकिन वो खबर थोड़ी देर बाद ही लोगों को सच्चाई पता लग गई, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। जब दिल्ली में दंगा जैसे शब्द का इस्तेमाल होता है और ऐसा माहौल मालूम पड़ता है तो जो मुस्लिम उनके डरे हुए हैं, लोग डरे हुए हैं, जो मुस्लिम हिंदू बहुल इलाके में रहते हैं जहाँ पे मुसलमानों की तादाद कम है वो लोग डरे हुए हैं, वो भागकर अपने उन रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं जहाँ पे वो सेफ महसूस कर सकें। तो डर का माहौल अगर हिंदुस्तान के कैपिटल में रहेगा तो गाँव में रहने वाला हिंदुस्तान के और स्टेट में रहने वाले लोग जो इधर उधर गए हैं वो अपने आप को कैसे सेफ महसूस करेंगे? भारत सरकार को सबसे पहले हमें सेफ महसूस कराना है। क्या ये एक स्ट्रेटजी है कि अगर दिल्ली में मुसलमान दलित पर हमला हो तो पूरे मुल्क में एक मैसेज जाएगा? देखिए दिल्ली भारत का कैपिटल है, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पर रहते हैं, दिल्ली से मैसेज दिया जाता है। अब दिल्ली से इन्होंने मैसेज दे के बता दिया है कि दिल्ली में भी आप सुरक्षित नहीं हो। पहले हम अपने आप को दिल्ली में सुरक्षित समझते थे, लेकिन आज इन्होंने कह दिया आप दिल्ली में भी सुरक्षित नहीं हो। ये हम बार बार करेंगे ऐसी चीज़ें। शुक्रिया, थैंक यू।